अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबके। आज मैं शेयर करूंगी आप सबके साथ एक न्यू रेसिपी। और चीज़ों से आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा, मैं बना रही हूँ चिकन फ्राइड राइस। यहाँ पे मैंने राइस को भी बॉईल कर लिया है, चिकन को भी ऑलरेडी बॉईल कर लिया। आप लोग चाहें तो चिकन बॉईल कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रा इसका टेस्ट इस तरह अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं पहले बॉईल करके फिर इसको फ्राई करती हूँ। यहाँ पे मैंने लिए हैं मटर, गाजर, बंद गोभी, एक दरमियाने साइज़ का प्याज और एक दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च, और ग्रीन वाली शिमला मिर्च भी ली है मैंने और रेड वाली भी, और ये 2 टेबल स्पून सिरका है, और इसमें मैं थोड़ी सी चिली सॉस और सोया सॉस भी ऐड करूँगी। प्याज मैंने थोड़ा सॉल डाल के इसको हल्का सा लाइट से ब्राउन फ्राई कर दिया, थोड़ा सा मैं सॉस ऐड करूँगी, फिर मैं इसमें चिकन डालूँगी और उसमें 1 टेबल स्पून नमक का और 1 टेबल स्पून जो है उसको मिर्च का ऐड करके अच्छे से पकाऊँगी। नमक और सॉल मिर्च मैंने ऐड कर दी है, उसके बाद 2-4 मिनट भी अच्छे से फ्राई कर दिए, भूनूँगी बाकी वेजिटेबल्स और अपने सॉसेज भी मैं वो ऐड करूँगी। साथ साथ मैं आपको शेयर करती जाती हूँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा, जरूर बताइएगा। बहुत सिंपल और इजी सी रेसिपीज होती हैं मेरी, और कोई फैंसी इंग्रीडियंट्स नहीं थी, खास मैं यूज़ नहीं करती थी, घर में ही सारी चीज़ें होती हैं, उससे आप आराम से भी हमें बना सकते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर देखें आप चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया, इसमें मैं अब सिरका ऐड करूँगी। आप ट्राई कीजिएगा, मुझे जरूर बताइएगा। हाँ जी, ये मटर है, मटरों को मैंने पानी में डाल के रखा हुआ था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ये पीस होते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा जमे हुए थे, इसलिए मैंने पानी डाल के रखा हुआ था, इसको मैंने वॉश कर लिया, तो ये मेरी सब्जी बड़े अच्छे से भून गई है, लेकिन किसी कलरफुल से जो है ना वो लुक दे रही है। तो मैं अब मटर को भी इसमें ऐड कर दूँगी, आपके साथ मैं इसमें थोड़ी सी है चिली सॉस है वो ऐड कर दूँगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून मैं चिली करूँगी। ये सोया सॉस मैंने जापानीज शॉप से लाई थी, पता नहीं क्यों इसका कलर ब्लैक हो जाता है साबुन से, इसलिए मैं ये थोड़ी सी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, मैं थोड़ी सी भी ज़्यादा डालती हूँ तो और ब्लैक हो जाता है, तो मैं ये बस हल्का सा इसका टच लूँगी। पाकिस्तानी किसी शॉप से लाती तो वो ओरिजिनल पाकिस्तानी नहीं आती, लेकिन ये मैंने लैबडीज शॉप से ली थी, तो शायद इसमें इंग्रेडिएंट्स का फ़र्क है, ये क्या बदला है, तो ये थोड़ी सी भी ज़्यादा ऐड हो जाए तो बिल्कुल ब्लैक लुक आपके खाने की आ जाती है। पहले मैंने एक दफ़ा ट्राई की थी तो सारे चावल जो हैं वो ब्लैक हो गए थे,
इसलिए आज मैंने ज़्यादा नहीं डाली इसमें। हम अच्छे से फ्राई होने देंगे 2-4 मिनट के लिए, फिर इसमें मैं चावल ऐड करूँगी। इसमें हाँ जी, तो ये देखें चावल मैंने डाल दिए हैं, अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। आप लोग चाहें तो इस पॉइंट पे भी इसमें सॉसेस वगैरह जो है वो चिली सॉस और सोया सॉस ऐड कर सकते हैं। मैं पहले ही वेजिटेबल जब भूनती हूँ ना तो उसी में डाल लेती हूँ, आप लोग चाहें तो इस टाइम पे भी ऐड कर सकते हैं। इसको मैं अब डिश आउट करती हूँ और आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए कितने कलरफुल से, बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ जी, तो ये लास्ट स्टेप है, ये मैं आपसे शेयर करना भूल गई। ये 2 एग स्क्रैम्बल करके हम राइस के ऊपर जो है ना वो पैन पे डालेंगे, तो फिर उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छा सा सॉफ्ट है, इसको स्क्रैम्बल कर लेंगे और फिर इसको राइस में मिक्स करते हैं और फिर मैं आपको राइस की फाइनल लुक दिखाती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ देखिए मैंने एग्स भी जो है वो इसमें ऐड कर दिए थे स्क्रैम्बल करके, और कितने अच्छे और मज़े की लुक आ रही है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।